वहीं मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन, पीएम आवास के हितग्राहियों को पहली किस्त मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे राशि। सुबह 10:30 बजे इंडोर स्टेडियम में होगा भव्य आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पीएम आवास के हितग्राहियों को पहली किस्त मिलेगी, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे राशि। तो सुबह 10:30 बजे इंडोर स्टेडियम में होगा भव्य आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन। तो पीएम आवास के हितग्राहियों को पहली किस्त जो है वो मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे राशि। तो मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन आज। तो सुबह 10:30 बजे इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन होगा। तो पीएम आवास के हितग्राहियों को पहली किस्त आज मिलेगी। बता दें कि पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से राशि जो है वो जारी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी का रुख कर लेते हैं। गोपी, यदि आज की बात करें तो मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और पीएम आवास के हितग्राहियों को पहले किस्त जो है वो मिलेगी, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जो राशि है वो जारी करेंगे। जी कविता, बिल्कुल बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा जो मोर आवास मोर अभियान है इनके तहत राशि अंतरित की जाएगी। इसमें वर्चुअल रूप से पीएम मोदी जो है वो भी मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा फिर छत्तीसगढ़ के जो हितग्राही हैं उन्हें राशि अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहेंगे। एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आज किया गया इंडोर स्टेडियम में मोर आवास मोर अधिकार के जो कार्यक्रम है इसका जो आयोजन है वो किया गया। सुबह लगभग 10:30 बजे इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अपने जन्मदिन के अवसर पर जो पीएम आवास योजना के जो हितग्राही हैं उन्हें राशि अंतरित की जाएगी। तो एक बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्योंकि लगभग 5.5 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनके खातों में आज राशि अंतरित की जाएगी। पहली किस्त जो है वो आज इन्हें दी जा रही है। सीएम जिसकी जानकारी जो है हमें पहले भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा दी गई थी कि ये कार्यक्रम जो है एक बड़ा आयोजन किया जाना है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर और आज यह कार्यक्रम जो है वो होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पहले काफी राजनीति हुई और इससे कहीं ना कहीं जो लाखों हितग्राही थे अब वो उन्हें वंचित होना पड़े। इस तरह के आरोप लगातार भाजपा जब विपक्ष में थी तब लगाते आ रही थी और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार में आई और जब सरकार में आने के बाद अब इन हितग्राहियों को उनकी राशि जो है वो पहली किस्त जारी करने जा रही है। लगभग 5.5 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें आज राशि अंतरित जो है वो की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बड़ी सौगात है। तो काफी लोगों को इसकी एक इंतजार था बड़े लंबे समय से कि उन्हें आवास योजना की किस्त जो है वो मिलेगी। तो आज उनकी पहली किस्त मिलने जा रही है। सैकड़ों करोड़ों की ये जो सौगात है वो आज छत्तीसगढ़ को मिल रही है। जी बिल्कुल गोपी, हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज 5 लाख जो हितग्राही हैं उनका घर का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, हर मध्यम वर्ग या हर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका एक सपना होता है कि उनका एक अपना मकान हो, अपना एक छत हो और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को उनका घर दिलाया जाए। जब से प्रधानमंत्री बने तब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें आवास जो है वो दी गई और छत्तीसगढ़ में भी आज 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके छत की पहली किस्त जो है वो मिलने जा रही है। लगभग 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर है वो स्वीकृत हुए उनमें से 5.5 लाख लोगों को आज पहली किस्त जो है वो मिलने जा रही है। पहले भाग पहले हिस्से में आज 5.5 लाख फिर आने वाले दिनों में
में और लाखों लोगों को इसकी जो पहली किस्त है वो मिलेगी। तो ये एक बड़ी डिजिट है, 5.5 लाख एक साथ पहली किस्त जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। तो ये बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो 10 लाख लगभग 9.5 लाख लोगों को आज राशि अंतरित की जाएगी, उनमें से 5.5 लाख जो है वो मात्र छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है, सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी, जो उनका सपना आज साकार होने जा रहा है। फिर आज से वो अपनी नींव अब रखनी शुरू करेंगे, क्योंकि उनके खातों में पहली किस्त आएगी और आने वाले फिर कुछ सालों में उनके घर जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। जी बिल्कुल गोपी, ये तो 5.5 लाख जो हितग्राही है उनकी बात हो गई। यदि नए लोगों को आवेदन करना हो तो कैसे करें, आवास प्लस से आवेदन कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ लेना हो तो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अगर नए आवास के लोगों को आ सकते हैं तो वो अब भी आवेदन कर सकते हैं आवास के लिए सभी अपने पंचायतों में, और उसके बाद फिर वो जिला जनपद पंचायत होते हुए कलेक्टर के आते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो स्वीकृति है अब वो पंचायत स्तर पर की जाती है। तो आज भी आवेदन जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं ऐसे 1.5 लाख लोग भी हैं जिनके पास जमीन है और घर नहीं है, उन्हें भी आवास जो है वो दी जाएगी। बता दें कि एक और इसमें जोड़ा गया है सरकार की ओर से कि जिनकी आय 15,000 महीने है वो भी अब इसके पात्र होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के। पहले ये पात्र हितग्राही नहीं होते थे, लेकिन अब सरकार ने जो ये भी शुरू किया है कि जो 15,000 के महीना कमाते हैं वो भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका लाभ ले सकते हैं। तो अब और भी अधिक लोग हैं जो इनके हितग्राही बन सकते हैं और आने वाले समय में उन्हें उनका घर मिल सकता है, क्योंकि लगातार ये कई सारी शिकायतें जो है वो बिल्कुल आ रही थी कि लोगों को उनके आवास नहीं मिल रहे हैं या कहीं पर अधिकारी जो है या जो भी जनप्रतिनिधि है वो उन पर अड़चन डाल रहे हैं। तो उस पर भी सरकार कहना है कि जहां पर भी ऐसी शिकायतें आएगी उन पर सख्त रवैया अपनाया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। किसी का भी आवास जो है अब वो नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए कड़े निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए हैं। लगातार जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने भी विभागीय समीक्षाएं किए, निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं। खासकर हमने SP कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में देखा कि आवास योजना को लेकर एक कहीं ना कहीं फोकस जो था अब वो मुख्यमंत्री का देखने को मिला, और इसे लेकर कलेक्टर को और जो तमाम अधिकारी थे विभाग के उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को आवास को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, और उसे लगातार जो राज्य सरकार है वो पूरा करने की कोशिश कर रही ताकि इसे जन जन तक पहुंचाया जा सके और निचले तबके के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसकी राशि दी जा सके और इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। जी बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया।